लिए हुए हैं। हाँ, कार वाला सिस्टम है, कार वाला सिस्टम सेम है। आप गाड़ी जो है रिमोट से भी चालू कर सकते हैं, गाड़ी आपकी चालू। अच्छा, हो हाँ, ये देखिए, और इसी से आप बंद करना चाहेंगे गाड़ी बंद हो जाएगी। गाड़ी बंद हो गई। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में हम आपको ई मोटर्स का मार्केट दिखाएंगे, जहां पे आपको ई रिक्शा, ई लोडर और ई स्कूटर मिल जाएंगे। तो अभी हम हैं सिमरियावा बाज़ार में, और ये शोरूम है सिमरियावा बाज़ार में, और आपको दिखा देते हैं। यहां पे पीछे देख सकते हैं, हमारे बहुत सारी गाड़ी हैं, और क्या क्या प्राइस रेंज रहेगा सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। तो यही है कॉम्प्लेक्स, बुनियाद कॉम्प्लेक्स नाम से है, और इसमें है SBS मोटर्स, यहीं पे आपको मिल जाएगी। तो ये सिमरियावा बाज़ार से जब आएंगे आप सीधा ये रोड पे, नंदौर वाले रोड पे आप जैसे ही आएंगे तो वहाँ पे आपको ये शोरूम मिल जाएगा। तो देख सकते हैं यहीं पे, आपको कुछ प्राइस बताते हैं अभी। तो ये सर जी हैं, सर जी आपको बताएंगे डिटेल में क्या क्या गाड़ी का क्या क्या प्राइस रेंज है। हेलो सर जी, क्या नाम है आपका? वासुदेव सिंह। तो क्या क्या प्राइस रेंज है, क्या इसका डिटेल है? 2 लाख रुपया। लिथियम बैटरी है। लिथियम बैटरी है, हैंड ब्रेक ऊपर है। अच्छा, आगे सिंगल सीट है, पीछे डबल सीट है। और लिथियम बैटरी है, चार्जर अलग है इसका। चार्जर अलग है इसका एकदम। और जो है मीटर भी इसका अलग है, एडजस्टेबल मीटर है। हाँ, इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हाथ से। अच्छा, एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये इसमें आपका ये बताएगा डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर है। और इसमें ऑन ऑफ के लिए जो है बटन दिया हुआ है। क्या चीज का ये? ये स्पीड के लिए, जैसे गाड़ी नहीं चल आगे चल रही है। हाँ, अगर इसको ऑफ कर दिए तो गाड़ी एक्सीलरेटर एडजस्ट पे आपका चल रही है, और ऑफ कर दिए गाड़ी अपने जाएगी। अच्छा, स्पीड का है ये जो है ऑन ऑफ के लिए है। ये गाड़ी जो है ऑफ रहेगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, और ऑन है तो गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। इसमें जो है आग बुझाने के लिए फायर वो दिया है। अच्छा, आग बुझाने के लिए भी दिया है। हाँ, जैसे मान लीजिए भाई दीवे आपातकालीन आपका कोई वो हो जाता है तो आप इसको खोलिए। हाँ, इसको जो है आप तत्काल प्रभाव से इस तरह से जो है वायर पे, अच्छा ऐसे प्रेस कर सकते हैं। आग बुझाने के लिए दिया है सेफ्टी में। आग बुझाने के लिए कहीं भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। और ये आपका जो है बैटरी का 36 महीने की वारंटी है। हाँ, ये वारंटी आपको 36 महीने मिलेगी। और आपका इसमें बाजा दिया हुआ है साउंड। अच्छा, रिमोट। हाँ, ये जो है साउंड इसका जो है एक डीजे की तरह है, बहुत ज्यादा जो है। अच्छा, डीजे भी अच्छा है, डीजे की तरह है इसमें साउंड इसका ज्यादा है। और दूसरा है, और इसका बैटरी कितना घंटे में चार्ज होता है? ये बैटरी जो है 3 से 3.5 घंटे में आपकी फुल चार्ज हो जाएगी। तो उससे जब फुल चार्ज होने पे तो कितना किलोमीटर चलेगा? मान के चलिए 120+ चलेगी। 120+। अच्छा, और ये यहाँ पे कोई लोन पे लेना चाहता तो भी मिल जाएगा? लोन पे लेना चाह रहा है तो लोन पे भी मिल जाएगा। और लोन पे उसको जो है जो भी खर्चा आएगा उसके फाइल की फाइल खर्च अलग से होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोन पे भी ले सकते हैं? लोन पे आप ले सकते हैं। आपको डाउन पेमेंट जो भी होगा आपको देना होगा। हाँ, डाउन पेमेंट देने के बाद जो भी पैसा बच रहा है उसको आपको फाइनेंस कर दिया जाएगा। हाँ, अभी कौन सा गाड़ी दिखा रहे हो आप? ये आइए, ये जो है 13 SS है। अच्छा, तेरा मोटर। इसमें डिजिटल मीटर दिया हुआ है। डिजिटल मीटर इसमें भी है। डिजिटल मीटर है ये आपका जो है मीटर। इसमें वो मीटर नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज वाला मीटर नहीं। अच्छा, दिया है परसेंटेज वाला नहीं। फायर जो है इसमें भी है आपका, इसमें फायर है, जैक दिया हुआ है। हाँ, आगे जो है पीछे मैट दिया हुआ है, साइड शीशा है, बीच का शीशा है, इसमें फैन दिया हुआ है। फैन भी दिया इसमें, फैन में दिया है। एक
अच्छा, और आपको ये वाली चीज़ क्या है कि 1,60,000, ये 1,60,000 की है, 1,60,000 इसमें है। ये वाइपर लगा हुआ है, ऊपर 13 का लोगो लगा हुआ है, ऊपर स्टैंड कैरियर लगा हुआ है, इसका भी मीटर आपका डिजिटल है, इसका भी डिजिटल मीटर डिजिटल है। इसमें भी आपका LIBL मिलेगा, चार्जर मिलेगा, फायर वाला मिलेगा और आगे पीछे मैट मिलेगा। ये है और इसकी जो है पानी वाली बैटरी है, पानी वाली। हाँ, और उसका लिथियम का नहीं, वो लास्ट वाली का लिथियम है। अच्छा, लास्ट वाले का लिथियम 2,00,000 जिसका प्राइस है, उसकी लिथियम है 1,70,000 और एक जो है 1,60,000। ये पीछे का व्यू दिखा देते हैं, पीछे का एरिया आप देख सकते हैं, सीट देखिए कितनी अच्छी है, और ये पकड़ने वाला भी है यहाँ पे, और ऊपर का भी देख सकते हैं, और इसकी सीट चौड़ी भी है, आपका ई लोडर है, ई लोडर ये विजया का है, क्या विजया का लोडर है। अच्छा, आपको मिलेगा विजया का, हाँ विजया 1,70,000 का इसका प्राइस है, 1,70,000। इसका भी साउंड जो है बहुत ज्यादा है, और ये सब ताकर होकर देख सकते हैं, ताकत जो है स्टील में है, ये भी देख, इसका स्टीयरिंग लॉक है, ये देखिए आप, स्टीयरिंग लॉक है, इसको कहीं भी खड़ी करके स्टीयरिंग आप लॉक कर सकते हैं, स्टीयरिंग लॉक कर सकते हैं, हाँ स्टीयरिंग लॉक कर सकते हैं। इसमें रिमोट दिया है आपका, कहीं भी गाड़ी मान लीजिए आप लिए हुए हैं, कार वाला सिस्टम है, कार वाला सिस्टम सेम है, आप गाड़ी जो है रिमोट से भी चालू कर सकते हैं, गाड़ी आपकी चालू, हाँ ये देखिए, और इसी से आप बंद करना चाहेंगे गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी बंद हो जाएगी। और पीछे का एरिया दिखाते हैं इसका, इसका पीछे का एरिया जो है अन्य गाड़ियों की अपेक्षा ये ज्यादा है, ये 4.5x4.5x6 का है, 4.5x4.5x6 का एरिया है, देखिए अन्य गाड़ियों का 4x6 का होता है, 4x6 का होता है, हाँ अन्य गाड़ियों की अपेक्षा जो है इसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्यादा है। आपका ये भी है, ये विजया की है, ये भी, ये भी विजया का, ये भी सेम है कि दोनों ये सेम है, सिर्फ कलर अलग है, कलर अलग, तो इसमें आपको कलर अलग मिल जाएगा, इसमें आपको जो है व्हाइट में मिल जाएगा, लाल में मिल जाएगा, इसमें दो कलर मिलेगा, दो कलर मिल जाएगा व्हाइट और लाल, इसमें आपका हरा मिलेगा, नीला मिलेगा और लाल मिलेगा, उसमें भी में 13 कलर जो मिलेगा, हाँ तीन कलर में मिलेगा, तीन कलर में मिलेगा। और उसके बाद जो है ऊपर और गाड़ियाँ हैं, ऊपर देख लीजिए, ऊपर भी है, आपको दिखाते चल के, यहाँ पे जो है गार्बेज है या ठेला भी है, उचित रेट में मिल जाएगा, चाहिए ठेला भी मिल जाएगा, देखिए ठेला भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये कितने तक का जाता है, इसकी प्राइस 20,000 है, 20,000 तो ठेला भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और अंदर चलते हैं, सेम वो है, लेकिन ये है कि इसका प्राइस जो है 5,000 ज़्यादा है, 5,000 ज़्यादा। इसमें क्या खासियत है, इसमें खासियत ये है कि इसकी जो है बैटरी और मोटर का जो है थोड़ा एडजस्टेबल ज़्यादा है। अच्छा, 12.5 का होता है, 13 का है, मोटर पे आपको 12 मिलेगा, लेकिन ये है इसकी पावर क्षमता 13। अच्छा, 13 MH का मोटर का, 13 MH का मोटर है, हाँ, और बाकी का सब सेम है, बाकी सब सेम है। तो ये कितने तक का बता रहे हो, 1,75,000 का, 1,75,000, 1,75,000। और आपको कैरियर जो है ऊपर सबसे मिलेगा, ऊपर देखिए सबसे मिलेगा आपको। तो इसका बैटरी ज़्यादा है, इसका बैटरी ज़्यादा है, मोटर ज़्यादा है। अच्छा, मोटर ज़्यादा है, मोटर का जो है एमएच ज़्यादा है, बैटरी सेम है, बैटरी उसमें पानी वाली है। ये आपका 13 का है, इसका दाम जो है 1,85,000, 1,85,000 ये। इसमें जो है तीन कलर का मिलेगा, तीन कलर का, इसमें हरा मिल जाएगा, नीला मिल जाएगा, लाल मिल जाएगा, इसमें तीन कलर का आपको मिलेगा। इसमें जो है देखिए पीछे फोल्ड भी लगी हुई है, इसको जब चाहे तो फोल्ड करके लोडर बना सकते हैं, और जब चाहे तो फोल्ड कर दीजिए, इसमें सवारी भी बैठा सकते हैं। देखिए दोनों तरफ लगा हुआ है, दोनों तरफ इसमें लगा हुआ है, इसमें आपको अब इधर भी आप सवारी बैठा सकते हैं, बीच में आप अपना सामान रखने के लिए स्पेस भी ज्यादा है। और इसमें भी आपका जो है वो साइड शीशा, वो बैक शीशा लगा हुआ है, साइड शीशा दोनों तरफ आपको मिलेगा लगा करके, आगे मैट लगा के मिलेगा। ये इसमें जो है चार्जर और प्लस टूल और जैक, ये आपको
साथ में मिलेगा। अच्छा, और वो वाले में जो हाँ? बार सब नहीं, हर अन्य गाड़ियों में जितनी भी हैं सब हाँ, में आपको टूर पूरा मिलेगा।, मिलेगा। और ये स्कूटर, स्कूटर में ये है आपका ये 72,000 की है। 72,000 की अच्छा, हीरो की, हीरो की। इसमें जो है आपको 65,000 से लेकर के 1,24,000 तक की जो है ई रिक्शा मिलेगा। मतलब ये कितना घंटे में चार्ज होता है, कितना घंटे में? 3 से 4 घंटा लगेगा। और कितना किलोमीटर चलेगी एक बार चार्ज होने में? ये लगभग मान लीजिए 80 से 82 किलोमीटर। अच्छा, 80 से 82 किलोमीटर। और जो अन्य गाड़ियाँ आती हैं जैसे मान लीजिए ये नंबर नहीं इस पे लगेगा। अच्छा, नंबर नहीं लगेगा इस पे, नंबर नहीं लगेगा। ये अब आदमी जो है इस पे हेलमेट की जरूरत है, बाकी लाइसेंस की जरूरत नहीं, लाइसेंस की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें सिर्फ आपको हेलमेट की जरूरत है। और अन्य गाड़ियां हैं जैसे स्पीडर है, जो नंबर लगेगी उसमें आपको लाइसेंस की जरूरत है, आरटीओ की जरूरत है, मतलब आरटीओ पास में आपको कागज मिलेगा, इसका कोई कागज नहीं। अच्छा, आप गाड़ी ले गए बस चलाना शुरू कर दीजिए। हाँ, और अन्य गाड़ी जो नंबर प्लेट वाली आ रही है वो महंगी है, लेकिन ये है कि उसका जो है स्पीड भी ज़्यादा है, उसका जो है लाइसेंस लगेगा, गाड़ी का कागज भी बनेगा, नंबर प्लेट। इसका कितना स्पीड है? इसका स्पीड जो है इस पर तो आपको 25 से 26-27 दिखाएगा। अच्छा, लेकिन वास्तव में जो है 40 की स्पीड चलेगा। 40 की? अगर अन्य गाड़ियों की अपेक्षा नापेंगे हाँ, तो इसकी स्पीड 40 होगी, लेकिन मीटर में जो है हाँ, ये 25 से 27 बताएगा। अच्छा, 25 से 27 बताएगा। तो गाइस, हमने यहाँ पे आपको दिखाया ई लोडर, ई रिक्शा और ई स्कूटर भी दिखाया, क्या क्या प्राइस रेंज है। तो आप लोग सिंधियाँ बाज़ार में आके ले सकते हैं। इनका और भी ब्रांच है, केशवपुर में है और टेमी में नया ओपन होने वाला है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं, और बस्ती में भी है, खलीलाबाद में भी है, तो बहुत सारा ब्रांच है सर जी का, तो आप किसी भी ब्रांच से ले सकते हैं। हम डिटेल दे देंगे, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में और एड्रेस दे देंगे, तो वहाँ पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। तो ये सर जी का मोबाइल नंबर है, देख सकते हैं दो नंबर है, और यहाँ पे देखिए एड्रेस लिखा हुआ है, तो आप इस पर कॉल करके आ सकते हैं।